नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो देखिए, आज की इन्फॉर्मेशन है उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया हुआ संवाद। तो आज की इस वीडियो पर हम जानेंगे कि आयोग के द्वारा कौन सा संवाद जारी किया गया है और इस संवाद में क्या महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वे लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ देखिए, बगल में जो बेल आइकन है इसको भी जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी वीडियो डाली जाए या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5K यानी कि 5,000 से ज्यादा ग्रुप मेंबर हो चुके हैं, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं आपको। रोज सुबह रात को 8 बजे और सुबह 10 बजे के टाइम पे हम यहाँ पे उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें हम 100-100 क्वेश्चनों की वन लाइनर प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ ही साथ हम आप सभी को क्विज भी करवा रहे हैं इसी ग्रुप में, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को लेके जाता हूँ आज की PDF में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कौन सा नोटिफिकेशन और ये जो संवाद है वो डाला गया है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 24 सितंबर 2021 यानी कि कल की डेट पड़ी हुई है। आज यहाँ की 25 सितंबर 2021, लेकिन आज ये साइट पर डला हुआ है, लेकिन कल इनके द्वारा बना दिया गया होगा ये संवाद 159। तो देखिए इसमें लिखा क्या है, वन आरक्षी पद कोड 102 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के दिनांक 28 सितंबर 2021 से दिनांक 11 अक्टूबर 2021 तक अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित स्थान परिवर्तन के संबंध में। तो देखिए इसमें लिखा क्या है, प्रिय अभ्यर्थियों, आयोग की विज्ञप्ति अधिसूचना संख्या, ये अधिसूचना संख्या दी गई है के द्वारा वन आरक्षी पद कोड 102 पदों पर लिखित परीक्षा एवं शारीरिक नापजोक दक्षता परीक्षा के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी औपबंधिक शेषता सूची सूची के अनुसार चयनित सम्मिलित अभ्यर्थियों का अभिलेख जो सत्यापन था वो आपका कहाँ पे होना था, ट्रांजिस्ट हॉस्टल चंद्रबर्नी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रोड नियर वन निगम डिपो देहरादून पे होना था। अब हुआ क्या, देखिए इसमें लिखा क्या है, आयोग के द्वारा अभिलेख सत्यापन स्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि सत्यापन के समय इंटरनेट सर्वर एवं कंप्यूटर इंस्टॉलेशन आदि इसमें परेशानी होने की संभावना होगी। इस दृष्टि से अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित स्थल के स्थान पर अभिलेख सत्यापन अब उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज थाना रोड रायपुर देहरादून कार्यालय में ही किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम वही जो पूर्व में निर्धारित है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको जो डेट मिली है उसी डेट में आपका अभिलेख सत्यापन होगा, बस आपका स्थान बदला गया है। उत्तराखंड का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज थानो रोड रायपुर देहरादून यहाँ पे। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना विज्ञप्ति के अनुसार वन आरक्षित में चयनित अभ्यर्थियों का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तिथिवार के अनुसार अभिलेख सत्यापन आयोग के कार्यालय में किया जाएगा। अन्य शर्तें पूर्ववत की भांति यथावत रहेंगी। सभी अभ्यर्थियों से यह अनुरोध किया जाता है कि वह अभिलेख सत्यापन की यह सूची अपने निकट सभी अन्य अभ्यर्थियों को कृपया दे दे, जिससे चयन सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों की इसकी जानकारी हो जाए। स्थान जो परिवर्तन है उसकी जो संबंध में सूचना है वो SMS के द्वारा भी मिल जाएगी आपसे लोगों को रजिस्टर्ड नंबर पर। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि जो आपका फॉरेस्ट गार्ड है उसके जो डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन का जो स्थान था उसको चेंज कर दिया गया है। उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज थाना रोड रायपुर देहरादून पे ही होगा अभी। ठीक है, तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सभी लोगों के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि जिन लोगों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उन तक ये न्यूज पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को हमारी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन काफी पसंद आई होगी। देखिए वीडियो पसंद आए तो देखिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी भी हमारे चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वे लोग भी हमारी चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।